हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉमीज किचन। आज मैं एक वेज रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ही सिंपल सा। और ये है ड्रमस्टिक या सहजन की सब्जी, और बंगाली में बोलते हैं सजना डाटा तरकारी। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं। ये मस्टर्ड पाउडर या सरसों का पाउडर ले लिए हैं, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और इसको एक कटोरी में ले लेते हैं और पानी के साथ मिक्स कर लेंगे। और इसमें डालेंगे सरसों का तेल और नमक, फिर इसको एक साइड में रख देंगे। इसके बाद एक मिक्सिंग जार ले लेते हैं और इसमें ये जो खसखस भिगो के रखी थी इसको डाल देंगे। और इसमें पानी के साथ ब्लेंड कर लेंगे। और इसमें अभी डालेंगे हरी मिर्च, फिर इसको ब्लेंड कर लेते हैं। ब्लेंड हो गया है, इसको एक कटोरी में ट्रांसफर कर लेते हैं। फिर इसको भी साइड में रख देंगे। और इसके बाद एक पैन चढ़ाएंगे, पैन गर्म होते ही इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे या सरसों का तेल। देखिए सरसों पूरा घुमा के ये तेल डालना पड़ता है। इसके बाद तेल देखिए गर्म हो गया है। और ये डालेंगे कलौंजी या काला जीरा, और ये है लाल मिर्च, सरसों का, और ये है ग्रीन चिली। सरसों का तेल हमेशा गर्म करना पड़ता है, नहीं तो स्मेल आता है कच्चा। इसके बाद ये प्याज डाल देंगे हल्का सा फ्राई करेंगे। इसके बाद डालेंगे आलू, जो लंबा लंबा करके काट करके रखी थी। और ये सहजन की जो ड्रमस्टिक है या सहजन है ये डाल दी हूँ। ये भी लंबा लंबा कट करके देखिए कैसा है। और ये नमक, और ये है हल्दी पाउडर, अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद इसमें देखिए थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे ये जो खसखस पेस्ट करके रखी थी, इसको डाल दूंगी। ये मिलाएंगे अच्छे से। इसके बाद इसमें डालेंगे एक एक चीज का डालते जाएंगे। देखिए इसके बाद इसमें डालेंगे मिक्सिंग, मतलब जो खसखस बचा हुआ था पेस्ट, इसमें पानी घोल के इसमें डाल दी हूँ। इसमें कवर कर देंगे बॉयल होने के लिए। और अलग एक पैन ले लेते हैं और इसमें तेल गरम कर लेंगे। जो बड़ी उड़द दल की बड़ी है इसको हल्का सा स्टर कर लेंगे, और हल्का जब लाल हो जाएगा इसको निकाल लेंगे। देखिए लाल हो गया है तो निकाल लिए हैं। अब फिर से जो मैं दूसरे बर्नर में वो रखी थी कढ़ाई बॉयल होने के लिए, इसको कवर निकाल लेंगे। और जो टमाटर कट करके रखी थी इसको डाल देंगे टमाटर। फिर कवर कर देंगे। और ये बड़ी डाल देंगे। बड़ी डाल देंगे और फिर
कवर कर देंगे। और फिर कवर निकाल लेंगे। देखिए बॉयल हो रहा है। अब इसमें मस्टर्ड पाउडर डाल देंगे। वो जो मिक्स रखी थी फिर अच्छे से मिला के फिर से कवर कर देंगे। और ये देखिए मस्ट हो गया है। ये सरसों का तेल ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे कच्चा हुआ। ये बना के देखिए बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनता भी है। एक बार मेरे तरीके से बना के देखिए। अभी जो बड़ी डाली थी इसको हल्का सा क्रश कर देंगे। देखिए हो गया है। फ्लेम बंद कर दीजिए देंगे सॉरी फ्लेम बंद कर देंगे और फिर एक डिश में निकाल लेंगे। और इसको एक डिश में निकाल लेंगे और गरम गरम राइस के साथ इसको खाइए और बताइए कैसा बना है। बना के देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। फिर आएंगे नई रेसिपी के साथ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कैसा बना है। तब तक के लिए बाय।